सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सात रुकनी बेंच समाअत करेगा। तफसीलात जान लेते हैं, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताइएगा कब तक समाअत का आगाज हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर के बाद 11:30 पर कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सात रुकनी लार्जर बेंच जो सादिक और अमीन का मामला है, या आप कह सकते हैं कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली होगी या 5 साल की नाअहली होगी। एक तजाद पैदा हुआ, हाल ही में पीडीएम की गवर्नमेंट की जानिब से एक कानून साजी की गई, सादा कानून साजी के जरिए इलेक्शन एक्ट में एक सेक्शन 232 को शामिल किया गया, जिसमें अब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल कर दी गई है। जबकि माजी में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक फैसला तहरीर किया था और उस फैसले में ताहयात नाअहली करार दी गई थी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये सात रुकनी लार्जर बेंच बैठा है इस मामले का या इस तजाद को दूर करने के लिए, और इस पर अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर 3 अमायकस कुरै यानी आप कह सकते हैं अदालती मुआवन मुकर्रर किए हैं। रीमा उमर उनमें से एक हैं, उज़ैर भंडारी हैं और इसी तरह फैसल सिद्दीकी हैं, जो कि आज अदालत की मुआवनत करेंगे। और साथ साथ अदालत ने जो सीनियर वकला हैं उनको भी दावत दे रखी है कि अगर वो भी ताहयात नाअहली से मुतालिक अपनी राय अदालत के सामने रखना चाहते हैं तो वो भी रखें। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला फरमाती है कि जो ताहयात नाअहली है वो नहीं होगी बल्कि 5 साल नाअहली होगी, उससे काफ़ी सियासतदानों को रिलीफ भी मिल सकता है। जी ठीक है, आपसे कुछ देर में ये समाअत शुरू होगी। अदील सरफराज अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे, फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सात रुकनी बेंच समाअत कर रहा है नाअहली केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में यह केस है और चीफ जस्टिस की सरबराही में सात रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस केस की समाअत करेगा।